Hi friends, Kumud here, and you are welcome to Kumudni's home garden. I am from Gurgaon, friends, Delhi, NCR. और यहाँ के क्लाइमेट में किस तरीके से फूल चलते हैं, यहाँ का जो मौसम है बहुत ही डाइवर्स है. सर्दियों में बहुत सर्दी और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी. सो, उसके हिसाब से ही हमें अपने पौधों को रखना पड़ता है, उनकी देखभाल और रख रखाव करना पड़ता है. आज जो जिस पौधे की हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो गुलाब नहीं है. ये तो इतने सुंदर खिले हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूं. आज जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं वो है ये हमारे पॉइनसेटिया के प्लांट्स. पॉइनसेटिया को माली लोग पॉइनसेटिया बोलते हैं. नर्सरी में भी कुछ पता नहीं लगता, लेकिन स्पेलिंग वाइज देखें तो इसका नाम है पॉइनसेटिया. है ना फ्रेंड्स, सुंदर सुंदर कितनी वैरायटी आती है पॉइनसेटिया में. और जब से ये हाइब्रिडाइजेशन का चल पड़ा है ट्रेंड, उसमें हर चीज़ को हाइब्रिडाइज किया जा रहा है. और ये जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, इसका नाम है पॉइनसेटिया फायर बॉल. इसमें भी अब दो तीन कलर आने शुरू हो गए हैं. ये देखिए, पिंक, येल्लो, पीचिश and red, of course, because it's known as fireball. तो friends, सबसे पहले हम इसकी मिट्टी, पानी, खाद और sunlight की बात करेंगे. इसकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी रखिए, जिसमें से पानी जो है drain out होता रहे. और इसको पानी कम दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पानी से इसमें fungus की problem हो जाती है, इसकी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं. और इसलिए इसको पानी तभी दीजिए जब ये बिल्कुल dry हो जाए. और इसको सनलाइट, इसको छनी हुई धूप चाहिए फ्रेंड्स. और समर्स में इसको बिल्कुल आप थोड़ा शेड के नीचे ही रखें, बिल्कुल छनी हुई धूप या बिल्कुल हल्की धूप हो, तभी इसको जो है ये सरवाइव करेगा. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो है हमारा प्लांट, ये गर्मियों में अक्सर मर जाता है जब बहुत छोटा होता है. अगर बड़ा प्लांट है तो वो नहीं मरेगा, वो चलता रहेगा. सेकेंड पॉइंट जो है हमारा फ्रेंड्स, वो है कि जब हम इसको नर्सरी से लेकर आएं तो आप इसको बिल्कुल भी रिपॉट मत कीजिए. अगर इसमें इतने सुंदर सुंदर फूल निकले हुए हैं तो आप इन फूलों के झड़ने तक आप पेशेंस रखिए और इनको बिल्कुल भी आप रिपॉट मत कीजिए. नहीं तो रिपॉट करने के बाद इनकी पत्तियां पूरी झड़ जाती हैं, ये लाल रंग बिल्कुल गायब हो जाएगा आपके प्लांट से, और जो है आपका पौधा मरने की कगार तक पहुँच जाएगा. तो आप इसको बिल्कुल रिपॉट ना करें जब आप इसको नर्सरी से इस सुंदर सी अवस्था में लेकर आएं, जब इसमें सुंदर सुंदर ये रंग निकले हुए हों इनके पत्तियों में, तब आप इसको रिपॉट ना करें. थर्ड पॉइंट हमारा है, अब हम इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं फ्रेंड्स. ये जो इसका टाइम है वो इस तरह के कलरफुल पत्ते आने का जो टाइम है वो दिसंबर से शुरू होता है, और फिर ये आपका मार्च तक चलता रहता है. मार्च और अप्रैल के आते आते इसके रंग जो हैं ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, और ये इसके पत्तियां जो हैं वो बढ़ते हुए हरे रंग में बदलने शुरू हो जाती हैं. तो ऐसे समय में हमें इसको शेड में लेके आ जाना चाहिए, या फिर बिल्कुल छनी हुई धूप में रखिए इसको, और ज़्यादा धूप ना लगने दें, नहीं तो ये पौधा बिल्कुल ही झड़ता रहेगा. और इसका पानी का ख्याल रखें, गर्मियों में पानी इसको अच्छा मिलता रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पानी में कीचड़ हो जाए. बस इसका इतना पानी रखिए कि इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे. फोर्थ पॉइंट है मेरा फ्रेंड्स, इसका एक ट्रिक के बारे में. जब आप इसको, अगर आप इसको सर्दियों में लेकर आते हैं, सितंबर में लेकर आते हैं, क्योंकि सितंबर से ही ये सितंबर अक्टूबर से ये हमारे नर्सरियों में आना शुरू हो जाते हैं, तो उसी टाइम लोग इसको अक्सर खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि क्रिसमस का टाइम साथ पास रहता है, तो लोग इसको खरीद कर अपने घर में लाना पसंद करते हैं. ये ऑस्पिशियस भी समझा जाता है. तो जब आप इसको लेकर आए सितंबर में, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आप इसको बिल्कुल 5 बजे से 8 बजे तक आप इसको बिल्कुल अंधेरे का जगह दीजिए.
या फिर इसको कवर कर दीजिए, तभी इसके पत्ते जो हैं दिसंबर में लाल लाल होने शुरू होंगे, नहीं तो कभी कभी वो हरे ही रह जाते हैं या फिर छोटे रह जाते हैं। तो उस टाइम पे सितंबर में जब आप नर्सरी से पौधा खरीदें तो क्या करना है फ्रेंड्स, इसको 5 बजे से 8 बजे तक बिल्कुल अंधेरे का टाइम दीजिए। ये अंधेरे में ही इसका जो है जो इसका रंग है वो तभी निखर कर आते हैं, नहीं तो फिर वो या तो फूल छोटे रह जाते हैं या फिर वो होते ही नहीं हैं। फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट हमारा ये है फ्रेंड्स कि इसका जो जो ये पौधा है ये परमानेंट टाइप का पौधा है और आप पूरे साल इसको ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं है, खाली लिक्विड अगर आप खाद देते रहेंगे इसको तो ये पौधा आपका बना रहेगा। और सर्दियों के आते आते जब सितंबर में आप इसको सितंबर या अक्टूबर में इसको आप एक बार अच्छे से खाद दे दें, उसमें वर्मी कंपोस्ट और बोन मील और नीम खली, थोड़ा फंगीसाइड, ये 3-4 चीज़ें मिलाकर इसकी मिट्टी तैयार करें और फिर इसको लगाएंगे तो फिर इसको दोबारा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2-3 महीने तक। और फिर गर्मी के मौसम आने पर आप इसको थोड़ी ठंडक की जगह दीजिए, फिर इसको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ और छठा पॉइंट हमारा है इसके प्रोपोगेशन के बारे में। ये पौधा आराम से कटिंग से लग जाता है, लेकिन कटिंग्स जब आप इसकी लगाएं तो मॉनसून के टाइम पे ही लगाएं, जिससे कि इसका मॉइस्चर का लेवल बना रहे, क्योंकि अगर आप किसी और टाइम पे इसकी कटिंग्स को लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर से कुछ सैप निकलता है, मिल्की जैसा कुछ पदार्थ निकलता है, वो निकलता रहेगा और इसका मॉइस्चर लेवल जो है कम हो जाएगा। कभी कभी कटिंग बिल्कुल सूख जाती है और फिर वो लग नहीं पाती है, तो इसीलिए मॉनसून के टाइम पे इसकी कटिंग को लगाना ठीक रहता है। सातवां पॉइंट हमारा फ्रेंड्स है, इसमें क्या क्या बीमारी लगती है या क्या इसमें कीट लगता है। तो इसमें दो ही तरह की प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, वो है एक तो मिली बग जब इसमें लगता है तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो उसके लिए हमें पहले ही प्रिकॉशंस रखने चाहिए। उसके लिए हम नीम स्प्रे उसमें करते रहें, वीकली करें या हर 10 दिन में इसके पत्तों पे हम स्प्रे करते रहें तो मिली बग जो है वो कंट्रोल में रहते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम आती है इसमें फंगस की, तो फंगस इसकी मिट्टी में जल्दी लगती है, वो भी पानी जब ज़्यादा हो जाए तो इसमें फंगस की प्रॉब्लम आती है। उसके लिए फंगीसाइड का स्प्रे करें कभी कभी, और इसकी मिट्टी में भी जो फंगीसाइड पाउडर है उसको पानी में घोलकर डाल सकते हैं, तो ये पौधा आपका बना रहेगा, मरेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स हमारा ये है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है और ये इसमें जरा भी ऊंच नीच हो जाए तो ये पौधा जब छोटा होता है तब ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो इसीलिए इसका इस समय पे जब ये छोटा हो तब इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी रूट्स जरा भी डिस्टर्ब हो जाएं तो ये इतना सेंसिटिव होता है कि ये अपनी पत्तियां इसकी झड़ जाती हैं, और हालांकि पत्तियां झड़ने से इसकी रूट में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन ज़्यादा पत्ती झड़ने से और बिल्कुल ही गंजा हो जाए तो फिर ये सर्वाइव कभी कभी नहीं भी कर पाता है, इसलिए इसका ठीक से हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक बार ये पौधा बड़ा हो जाए तो फिर ये बड़ा हार्डी प्लांट हो जाता है, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फ्रेंड्स वही है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो, कि अगर आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहिए विंटर्स में पॉइंसेटिया से, तो आप इसको फ्लावरिंग पे आने से पहले आप इसको पूरा डार्क पीरियड प्रोवाइड कीजिए, तभी ये अच्छी खूबसूरत फ्लावरिंग करेगा और आपके गार्डन में खूब अच्छे कलर्स बिखेरेगा। तो फ्रेंड्स ये था आज के पॉइंसेटिया के बारे में, जिसको माली लोग पॉइंसेटिया बोलते हैं लेकिन हम इसको पॉइंसेटिया बोलते हैं। तो ये देखिए कितनी सारी वैरायटी है मेरे पास पॉइंसेटियाज की, रेड है, ये येलो टाइप का है, ये पिंक है, और फिर ये अपने ये वाले टाइप के हैं, ये बिल्कुल अलग वैरायटी है, ये देखिए ये है, फिर ये वाला है, ये दोबारा से अब इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, मतलब कि इनके जो पत्ते हैं उनमें रंग दोबारा से आ गया है। उसका कारण भी यही है कि जब बहुत ज़्यादा विंटर्स थी, तेज़ धूप में मैंने इनको कवर करके रखा था, तो इनके जो पत्तों का रंग है जब ये नए पत्ते बने तो इसमें पत्तों का रंग दोबारा से बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से आया है, ये देखिए कितने कलरफुल लग रहे हैं। फ्रेंड्स ये पॉइंसेटिया जो है हमारे गार्डन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है
और इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी, ज़बरदस्त, बहुत कलरफुल, वाइब्रेंट होती है। तो इसको आप अपने गार्डन में लेकर आइए और इसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है उसको ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो कीजिए, तो आपके प्लांट्स हमेशा ही बहुत अच्छे अच्छे बने रहेंगे और आपको शायद दोबारा भी खरीदने की ज़रूरत ना पड़े अगर गर्मियों में आपने इन छोटे पौधों को संभाल लिया। तो फ्रेंड्स, ये हो गई आज का मेरा टॉपिक और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।